हेलो दोस्त, मेरा नाम है मंजीत। आप सब कैसे हो? कैसे क्या आज मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ देख रहे हैं आप? अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो देख रहे हैं नई चीज़ें। यह है डीबी, जो कहते हैं डीबी बॉल। कई लोग डीबी बॉल कहते हैं, डीबी कहते हैं, वाटर ड्रेन डीबी कहते हैं इसको हम चेक करेंगे चालू है ख़राब है। एक बार आप आवाज़ सुनेंगे, कट के आवाज आएगी। एक गौर से सुनेंगे, कैमरा में आपको दिख जाए। डीबी ऐसे काम करता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ डीबी कैसे काम करता है। एक और इसको रिपेयर करने का क्या तरीका है। कई बार होता है कि हम डीबी लगाते थे, यहाँ से फट जाता है, ये फट के पानी लीक होने के बाद सेल्ट जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके चेंज ना करें, इसका बॉडी चेंज करें। बॉडी कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको ओपन करेंगे, मैंने पहले बोला था आपको कि मैं अपने डीबी पे एक स्पेशल वीडियो बना के देने वाला हूँ, तो यही वीडियो है। तो आप गौर से ज़रूर देखें इस वीडियो को, ध्यान से देखिए। जैसे कि ये डीबी बॉडी है, ये आपको अलग से अवेलेबल मिल जाता है। अगर आप खरीदने जाएंगे, इसको मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे, तो अलग से मिल जाएगा आपको डीबी बॉडी। और ये डीबी सील है, इसको हम निकाल सकते हैं। कई बार होता है ना, ये चीज़ जो अगर ये मुड़ जाती है ऐसा करके, फट जाती है, कट जाती है, तो वो काम नहीं करता। इसको काम करने के लिए हम ये लगाएंगे, ये लगता है इसके अंदर। हाँ दोस्तों, कई बार लोग जो देखते हैं ना कि हमारा जब जो अगर ये बॉडी ख़राब होता है ना, तो हम पूरा पूरा डीबी चले हो सके तो। कई बार पानी गर्म होता है, जल्दबाजी के काम में आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हो और हाथ बात जला लेते हो। तो इस काम में सबसे पहले देख ले कि अगर आप डीबी मतलब डीबी लीकेज नहीं कर रहा और डीबी नहीं चल रहा, तब इस कॉइल को चेंज कर सकते हो। इसमें करके करके देख सकते हैं, ये कॉइल अलग हो गया है। देख सकते हैं कॉइल ये अलग हो गया है। कृपया इस तरह से ध्यान दें, और ये जो है ये सारा चीज़ अलग हो गया। अब इसको कसने के लिए कैसे कसते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम ये लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ये स्प्रिंग, इसके अंदर ही है, इसको हम डालेंगे ऐसे, हो गया। उसके बाद हम डालेंगे इसके रबर, इसमें फंसाने में इसमें लॉक होता है, वो फंसाना है आपको। ये हो गया, अब हमें इसको इस पर लगा देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये टीबी पार्ट अलग है। अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो आपको सिर्फ खाली ये प्लास्टिक पार्ट भी मिल सकते हैं। वैसे ये कभी ख़राब नहीं होता, ये जो पीतल का होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। आप और ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। इसलिए जैसे कि मैंने ये डाला इसके अंदर, ये देखिए कैसे काम करेगा ये। ये 220 वोल्ट का डीबी है, ये आपको मार्केट में 24 वोल्ट भी वाला भी मिल जाता है। सेम होता है कॉइल, वोल्टेज उसका कम होता है। फिर देखेंगे आप डीबी काम करेगा कैसे। देख रहे देखिए, अपने अपने तरफ खींच लिया ये जो है, देख सकते हैं आप। देख रहे हैं इस तरीके से काम करता है ये।
ये पंप वगैरह मोटर वगैरह नहीं है, सिर्फ ओनली जो टैंक में जो प्रेशर होता है वहाँ से पानी देता है, कि ये अगर ऑन होता तो ये दब के पानी प्रेस मार देता है, बता रहा हूँ। अब देखते रहिए वीडियो को। हमने कस दिया इसको, बन गया फिट, इसको हम डालेंगे इसमें। हेलो दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको काम आए मेरा वीडियो। थैंक यू।